हेलो दोस्तों, तो आज मैं ड्यूटी आफ्टर स्कूल के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं, तो आप आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, रेडिंग टीम को वहां पर पार्ट्स ढूंढते हुए जेल में बंद कुछ कैदी मिलते हैं जो उनको बाहर छोड़ने के लिए चिल्ला रहे थे, और वो बैठकर सोच रहे होते हैं कि क्या हमें इन सभी को छोड़ देना चाहिए। उनमें से कुछ इसके अगेंस्ट थे और कहते हैं कि शायद वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल है, तभी तो उन्हें यहाँ छोड़ दिया गया है। लेकिन उनमें से कुछ कह रहे थे हमें इनको बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। उसके बाद वो सोचकर उन सभी कैदियों को सिर्फ खाना देने लगते हैं। वो लोग पूछने लग जाते हैं कि आखिर बाहर चल क्या रहा है, तुम तो बहुत छोटे हो, तो गन के साथ क्या कर रहे हो। तो जांगसू कहता है कि बाहर वॉर चल रही है, पर उससे ज्यादा वो उन्हें कुछ नहीं बताते। वो कहने लग जाते हैं कि चाबियां उस कमरे में है और हमें बाहर निकालो। फिर जब एसोल एक कैदी को खाना दे रही थी, तो उसे लगता है कि वो बीमार है, तो वो उससे पूछती है कि क्या बीमार है। तो वो आदमी उसके पास आकर कहता है कि प्लीज मेरा एक काम कर दो, मेरी मॉम को पता नहीं है कि मैं यहाँ हूँ, तुम उन्हें बस कॉल करके बता देना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसे एक फोटो देता है जिसमें नंबर भी था। युजुंग कहती है कि हम वापस जाकर यहाँ की सिचुएशन रिपोर्ट करेंगे, बस तब तक आप लोग वेट करो। ये सुनकर वो चिल्लाने लग जाते हैं और उनमें से एक चिल्लाकर कहता है कि तुम लोग जो कर रहे हो वो भी एक मर्डर है और तुम भी एक अपराधी बन जाओगे। पर वो उनकी बात इग्नोर करके वहां से बाहर जाने लगते हैं। बाहर निकलकर सब सोच रहे थे कि क्या उन्हें छोड़ना सही होगा, कि तभी एसोल कहती है कि जो कैदी सबसे लास्ट सेल में था वो मुझे काफी बीमार लग रहा था, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो बोरा उस पर चिल्लाने लग जाती है। वो कहते हैं कि बुरा हमें भी फील हो रहा है, पर अभी के लिए हमें अपने मिशन पर फोकस करना है, और सभी वहां से जाने लगते हैं। पर हम एसोल को देखते हैं जो उस कैदी की दी हुई फोटो को देखने लग जाती है। फिर उसके बाद हम बेस का सीन देखते हैं और किम तुक देखता है कि हाना वहां पर टाइम पास कर रही थी, और फिर वहां पर जुनही भी आ जाती है। तभी वहां पर किम तुक को कुछ आवाज सुनाई देती है, और जब वो देखते हैं तो उन्हें वहां उन्हीं की तरह कुछ और स्टूडेंट दिखते हैं जो कि इन लोगों की चीजें देख रहे थे। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ उन लोगों को काफी दवाएं मिल गई थी, और फिर हम चियुल और नारा को देखते हैं जो कि एक साथ मिलकर वहाँ चीजें ढूंढ रहे थे। और फिर चियुल अपने आप से कहता है कि क्या मुझे अपनी फीलिंग के बारे में नारा को बता देना चाहिए। और तभी नारा कहती है कि आजकल मुझे बहुत ही अजीब चीजें याद आती है, क्या हम सही सलामत से अपने घर पहुँच पाएंगे। चियुल यहाँ पर कुछ नहीं बोलता और गहरी सांस लेता है कि तभी उसे देखकर वो कहती है कि मुझे माफ करना, हम सभी तो एक ही कंडीशन में हैं, और कहती है इसके बाद हम ऊपर ढूंढने जाएंगे। तो तभी चियुल उसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने वाला था, पर उसके मुंह से कुछ और ही निकल जाता है। तो फिर बाद में वो कहती है कि चलो हम ऊपर ढूंढने चलते हैं। वहां पर उन लोगों को काफी चीजें मिल रही थी, और फिर चियुल को भी वहां खाने के साथ अपने कैमरे के लिए बैटरी मिल जाती है। तो उसके बाद वो खुद की वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है, जिसमें वो अपना कन्फेशन नारा के लिए रिकॉर्ड कर रहा था कि अगर वो जिंदा नहीं बच पाया तो। पर वो अच्छे से कुछ बोल ही नहीं पाता और कहने लग जाता है कि मेरे से अच्छा तो सोचियुल है, उसने डायरेक्ट नारा से जाकर अपनी दिल की बात कह दी। और तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है कि जैसे कोई दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। पर जब वो वहां जाकर देखता है तो उसे वहां सोचियुल दिखता है जो कि हमें काफी घबराया हुआ दिख रहा था। तो उससे पूछता है कि तुम किसके साथ बात कर रहे थे, पर वो कहता है किसी की नहीं, मैं अकेला ही था। और उसे कहता है कि मुझे पता है तुम भी नारा को पसंद करते हो। चियुल कहता है कि तुम्हें कैसे पता। तो सोचियुल कहता है कि तुम उसे हमेशा देखते रहते हो। और तभी उन्हें बाहर से वापस चलने के लिए आवाज आती है, तो चियुल आगे निकल जाता है। फिर हम सोचियुल के हाथ में कुछ कागज देखते हैं और वो काफी टेंशन में भी दिख रहा था। उसके बाद फिर से हम बेस का सीन देखते हैं, जो बच्चे बेस में घुस आए थे वो वहां पर उनकी चीजें देख रहे थे। तभी किम तुक और गन लेकर उनके सामने आ जाते हैं, और फिर वो सभी बताते हैं कि हम साइंस हाई स्कूल से हैं और हम वापस सियोल जा रहे हैं, क्योंकि सीसेट का एग्जाम कैंसिल हो गया है, इसलिए यहाँ पर रुकने का कोई मतलब नहीं था, तो हम लोग अपनी टीम से अलग होकर अपने आप जाने लग गए हैं। ये सुनकर उन सभी को सदमा लग जाता है कि सच में सीसेट का एग्जाम कैंसिल हो गया है, और पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता। तो उन्हें बताते हैं कि हमें ऊपर से रेडियो में मैसेज करके इस बारे में बताया था, क्या तुम लोगों को रेडियो में मैसेज नहीं मिला। तो बोलते हैं कि हमारे वॉकी टॉकी सब खराब हो चुके हैं, और हाना कहने लग जाती है कि अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है, बाकी लोगों के आते ही हम सब भी यहाँ से सियोल के लिए चले जाएंगे।
हम देखते हैं उनमें से एक लड़के को रेडियो ठीक करना आता था, जिसके बाद वो उन्हें अपना रेडियो दिखाते हैं। उस रेडियो को देखकर वो बोलता है कि ये फिक्स नहीं हो सकता, किसी ने इसके पार्ट्स जानबूझकर तोड़े हैं। और वो सोचने लग जाते हैं कि ऐसा कौन कर सकता है। और फिर हमें किसी को दिखाया जाता है जो कि उस हिस्से को तोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ हम एसोल को देखते हैं जो कि अकेले चाबी लेकर उस कैदी के पास जाती है जो उसे बीमार लगा था। पर जैसे ही वो उसके पास जाती है, वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें मुझे बाहर निकालने में इतना टाइम क्यों लग गया, और हंसने लग जाता है। उसके बाद वो अपने सभी साथियों को बाहर निकाल देता है, जहाँ पर वो एक कैदी को कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने इस काम के लिए तुम्हारी माँ की फोटो यूज करी। वहीं दूसरी ओर हम बोरा औरों को देखते हैं और वो नोटिस करती है कि एसोल कहीं दिख नहीं रही है, और बाकी लोगों से पूछती है कि क्या तुमने एसोल को देखा, तो वो सभी मना करते हैं। बाद में जेल के अंदर एक कैदी उससे पूछने लग जाता है कि आखिर बाहर चल क्या रहा है, और एक कैदी हवा में फायरिंग करता है और कहता है कि तुम्हारी दोस्त यहाँ है, चलो बात करते हैं। और फिर उन सभी को गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर हम सर्च टीम को देखते हैं जिन्हें हॉस्पिटल के बाहर ट्रक में गोलियों के बहुत सारे बॉक्स मिलते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और तभी कोनिल पूछता है कि क्या तुमने सोचुल को देखा, और वो लोग उसे ढूंढने लग जाते हैं। इधर जंगसू और दौड़कर नीचे सेल में पहुंचते हैं और देखते हैं कि उन्होंने एसोल को पकड़ रखा है और सभी अपने सेल से बाहर है, तो वो लोग फटाफट से गेट को लॉक कर देते हैं। वो वहाँ पर कहने लगते हैं कि गेट खोलो वरना हम तुम्हारी दोस्त को मार देंगे। तभी बोरा उन पर गन तान के कहती है कि वो हमारी दोस्त नहीं है, उसकी वजह से हम मुश्किल में आ गए हैं। एक कैदी आगे आकर उन्हें कहता है गेट खोल दो, हम शांति से यहाँ से चले जाएंगे। तो यंगशिन कहता है पहले तुम एसोल को आने दो। एसोल सबको सॉरी कहती है कि मेरी वजह से तुम ऐसी सिचुएशन में आ गए, तुम मुझे छोड़कर यहाँ से चले जाओ। तभी एक कैदी एसोल के कपड़े उतारने लगता है और उन्हें रेप करने की धमकी देता है। ये देखकर वो सभी चिल्लाते हैं और बोरा भी चिल्लाने लगती है कि उसे दूर हो जाओ। तो उसके बाद उनमें से एक कैदी कहता है कि मैं तुम लोगों को 10 मिनट दे रहा हूँ, अगर तुम उतने टाइम में वापस नहीं आए तो इसके साथ कुछ भी हो सकता है। बाहर आकर वो कहते हैं कि हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए, इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है। पर तभी हीरा कहता है कि वो लोग फिर भी एसोल को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी जांगसू देखता है कि कुछ एलियन उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें उन्हें छोड़ना ही होगा। हीरक और ताइमन को छोड़कर बाकी लोग एसोल को बचाने आते हैं। सब लोग अपनी गन नीचे रखकर उनके लिए दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं कि एसोल को आगे आने दो। जैसे ही वो बाहर आने वाली थी, तभी वो लोग एसोल को अंदर खींच देते हैं और कहते हैं कि हमने तो झूठ कहा था, और उनकी तरफ गन पॉइंट कर देते हैं, जिसके बाद वो सभी वहाँ से डर कर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ नारा और चुनयी को गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो दोनों उस डायरेक्शन में भागने लगते हैं, और तभी उनके सामने से कोई छत से नीचे गिर जाता है। जब वो नीचे देखते हैं तो वो और कोई नहीं बल्कि सोचुली था, जो कि अब मर चुका है। इधर कैदी खुश हो रहे थे कि हम आज़ाद हो गए हैं, और उधर वो सभी रो रहे थे। लास्ट में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोचुल खुद से कह रहा था कि अगर तुम मुझे क्रिटिसाइज भी करोगे तो अब कुछ नहीं होने वाला, और मुझे पता नहीं कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, लेकिन मैं इसे ख़त्म करना चाहता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, अभी के लिए इतना ही।